दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे दिया चढ़ाने के लिए। मम्मी पापा को हमें बहुत याद आ रहा है, मैं कैसे बताऊं आप लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड जी का भी नमस्ते कर रही हूँ। नमस्ते जी, खुश रहो, खुश रहो। आज है दिवाली, आज सब लोग को हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से। जितने भी मेरे दर्शकों देख रहे हैं उन सबों के लिए हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से। गाइस आज दिवाली है और हमारे जितने मम्मी पापा दीदी भैया बहन लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम और सभी को तहे दिल से हैप्पी दिवाली। और आपके घर में लक्ष्मी जी बास करे। और दोस्तों हम लोग देखिए लाइट, और कल तो हम लोग लगा नहीं पाए थे, आज है बड़ी दिवाली तो इसमें लाइट को हम लोग सजाने चल रहे हैं दोस्तों। और आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दोस्तों हम लोग के ऊपर बनाए रखिएगा। और मम्मी जी गई है घोट पे जहाँ भैंस वगैरह रहती है वहाँ पे सर सफाई करने गई है। तो दोस्तों आज हमारा पहला दिवाली है हमारे वाइफ के साथ, प्यारी से वाइफ के साथ। और इसको मैं खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ कि खूब सादा सुहागिन रहे। ब्लॉग में दोस्तों बने रहिएगा और सेलिब्रेट हम लोग करेंगे, पटाखा फोड़ेंगे, बहुत सारे चीजें होगा, गांव में जाएंगे दिया चलाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग मेरे घर खाना खाने आइएगा। इसको छोड़ा लीजिए आप, आराम से छोड़ा। आज बहुत खुशी के दिन है, बहुत मजा आ रहा है। और मेरे हस्बैंड जी लाइट लगा रही हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर लाइट तो अभी देख सकते हैं, अभी हम लाइट लगा रहे हैं, सुंदर लगेगा गाइस रात में, बहुत अच्छा लगेगा रात को जब जलेगा। अभी हम पूरा खपड़े को घर को अपने सजा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और कौन कौन घर में सब लाइट लगा है, तो लाइट वगैरह लगा दिए और अभी देख सकते हैं अभी जल भी रहा है। अभी हमारा प्यारा सा बाइक जा रहा है धुलाने के लिए, मम्मी हम धुलने जा रहे हैं। गाइस घर में जितना सामान होता है ना सब धुलना पड़ता है, नहीं मम्मी? सब कुछ धोता है, मशीन, साइकिल, मम्मी हर जगह हम धुल देते हैं। तो दोस्तों मैं लिखी शुभ लाभ, देख सकते हैं गाइस दरवाजे पे लिख दिए शुभ लाभ, इनके हैंडराइटिंग भी गाइस यहाँ देख सकते हैं आप लोग। देखिए अच्छा भी लग रहा है, भाभी अभी गोल रंग रही है, तैयार हो रही है, अभी तैयार वगैरह हो गई है। तो जो कुछ है तो अब धो रही हैं, अभी तो जो छूटा गाइस मम्मी धुल रही हैं। बाकी इधर देखिए खाना बनाने का तैयारी हो रहा, इधर देखिए पत्ता आया है, अरवी का पत्ता, अरवी के पत्ता के पकौड़ी बनाने वाले हैं। पकौड़ी बनाए तो अभी मैं प्याज काट दी, अरवी के पत्ते का पकौड़ी बनाऊंगी और गोभी का भी पकौड़ी बनाऊंगी, आप लोग आइएगा खाने के लिए। नहीं अभी देखिए पनीर का मटर कर रही हैं, और इधर गोभी का पकौड़ी बनाएंगे और पत्ता के, गोभी फ्राई हो चुका है गाइस। भाभी जी आटा मार रही है, इधर देखिए अभी भाभी कैसी देख रही हैं। तो गाय देखिए भाभी जी आटा की तैयारी कर रही हैं, आटा सान रही हैं। और गाय देखिए यहाँ पे भी पकौड़ी, यहाँ देखिए कितना किस्म का गाय पकौड़ी बन रहा है। आज हमारी वाइफ बना रही हैं दो तीन किस्म का पकौड़ी, पनीर का, गोभी का, आलू का, प्याज का और अरवी का पत्ते का। दिवाली पे स्पेशल खाना भी बन रहा है हमारे। दोस्तों अभी हम रेडी हो चुके हैं पूरा एकदम अच्छे तरीके से, और हमारी प्यारी सी वाइफ लक्ष्मी हमारी लक्ष्मी जी को सजा रही है, यानी दिया अभी सजा रही है। तो गाइस अभी हम जाएंगे, हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने देवी देवता का स्थान होता है वहाँ पर एक एक दिया सब जगह गाइस चढ़ता है। पूरा दिया लगा रही हूँ, मेरा पहला दिवाली है, आप लोग फुल वीडियो देख कर जाइए। तो दोस्तों अभी ये दिया हुआ सजा रही है, बाकी अभी हम लेकर जाएंगे पूरे मंदिर में चढ़ाएंगे, देख सकते हैं गाइस इतना दिया है और कुछ मिट्टी का भी बनता है गाइस। पूरे दीपक में तेल डाल रही है हमारी वाइफ बैठ के। तेल डाल कर हम इसको धराएंगे फिर आप लेकर जाएंगे, आप नहीं चलोगी? मैं कैसे। और गाइस देखिए अभी कितना प्यारी लग रही है, एकदम दुल्हन बन गई है। हम दुल्हन है ना, गांव की बहू है तो हम कैसे जाएंगे। और गाइस देखिए मम्मी भी साथ दे रही है, मम्मी पूरा ये बत्ती वगैरह बनाई है, मम्मी जी हमारा हर एक काम में साथ दे। और देखिए आप बना चुकी है एकदम पनीर का सब्जी, पनीर का सब्जी बना दी, गोभी का पकौड़ी छानना है, पूरी छानना है। भैया भी रेडी होकर आ चुके हैं, देखिए कोट वगैरह पहन लिया है, कितना स्मार्ट लग रहा है। और दादाजी गाइस यहाँ पर बैठे हैं, मैं दीपक जलाने जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे दिया चढ़ाने के लिए, चढ़ाओ नहीं जाएंगे। देखिए अभी कितना प्यारी लग रही है, एकदम दुल्हन की तरह लग रही है गाइस एकदम। यहाँ जाएंगी घर में खाना बनाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं मंदिर दिया चढ़ाने के लिए, मम्मी भी खाना बनाएंगी, भैया हम जा रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं हम लोग। गाइस दिया अकेले चलाना हो रहा है इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे यहाँ का काली जी का मंदिर गाइस देख सकते हैं, अभी पूरा दीपक लोग चढ़ाए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ माता जी काली का दर्शन कर सकते हैं हम लोग।
तो दोस्तों गांव में गए थे मंदिर पे, पूरा चढ़ाव उड़ा के आ गए और जा रहे हैं अभी हम लोग अपने घर को सजाने। कैसा लगेगा आज? बहुत अच्छा लगेगा भाई। देखिए इधर मैं मोमबत्ती लाया हूँ, बाकी ये दिया ले लिया, तो चलते हम लोग सजाते हैं। बाकी अपने मंदिर पे पूजा कर चुके हैं और दोस्तों ये लाए हैं मम्मी बांटेगी आज प्रसाद बांटेगी, तो गाइस मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। हैप्पी दिवाली आप लोग के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए भाई, हमारे हाथ से प्रसादी खा लिया जाए बच्चों। तो भाई देखिए हमारी वाइफ हमारे घर को सजा रही है, आज कैसा रही आप लोग बताइए। जिसमें ये हमारे धान कुटाता है ढेका। तो दोस्तों मेरा कोठा नहीं है, फिर भी हम लोग चले इस कपड़े पर हम लोग सजा। जो कोठा आप लोग देखते हैं बार बार पूछते हो किसका, मैं आप लोग बता रहे हैं हमारे एक अंकल का, जो पटीदार आप लोग समझते हैं ना, वो लोग दिल्ली वगैरह रहते हैं, तो उन लोग का कोठा वगैरह, तो उधर भी अभी चलेंगे सजाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग दिया सजा रहे हैं और देखिए भाभी भी सजा रहे। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अभी छत को सजाने के लिए, सजाने चल रहे हैं। तो दोस्तों पूरे गांव में भड़काड़ी भड़का रहे हैं सब, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं छत को सजाने के लिए और मोमबत्ती जलाते हैं। लो आप चलो सजाओ। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं भाई पटाखा वटाखा फोड़ने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या जलाते हैं, फुलझड़ी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे देखिए डर रही है, डर रही है, डर रही है, ऊपर करो जी, ऐसे करो। अब भाई इससे तो हो गया, अब भाभी से कराते हैं। देखिए ओ भाई भाभी मजा आ गया, हम तो सोच रहे थे गाइस हो ही हो गया। ओ भाई हारा भाई को जिंदा। पड़काड़ी पड़काने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब चले मम्मी जी की बारी है, मम्मी जी अब। और भाई मम्मी डर रही है, एकदम डर रही है, डर लगता है। मम्मी जी जा रही है पड़काड़ी पड़काने, मम्मी जी डर रही है। बच्चों हमको जा रहे हैं पड़काने पड़काने, लेकिन तो बहुत डर लगता है। क्या था? दोस्तों पटाखा टाका फोड़ लिए, बहुत मजा किए, बहुत चीज। भाभी जी डर गई थी, भाभी जी बताइए कैसा लगा भड़काड़ी भड़काई थी। अभी जी डांस के पड़काई पड़काई इसलिए बहुत अच्छा डांस कर रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनका डांस कैसा लगा। बच्चों आज तो हम बहुत खुश हैं अपने बहुरानी पर। देखो हम किसी तरीके से हम धरी हैं 100, तो अपने हम प्यारी बहू का हम दे रहे हैं। अगर मेरी मम्मी मेरी वीडियो देखती होंगी तो मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, अगर मुझे माफ कर दीजिए। सुराज में मेरा पहला दिवाली है, हमको बहुत अफसोस रहा है। पिछले साल मैं मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाती थी, लेकिन हमको यहाँ पर खुशी भी हो रही है, पर मम्मी पापा का हमें बहुत याद आ रहा है। मैं कैसे बताऊँ आप लोग, नहीं है याद नहीं। देखिए बार बार इमोशनल हो जाती है। रात को 10 बज चुकी है और हम लोग खाना निकाल लिए दादाजी के लिए, मम्मी जी के लिए, भैया जी खाना खा रहे हैं, भाभी देख लीजिए गाइस, भैया भैया वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और इसमें ओल है, दिवाली में ओल खाया जाता है। ये ओल का यहाँ अचार है, बहुत अच्छा लगता है। ओल खाएगी भाई साहब, देखिए मुस्कुरा रही है हमारी। तो ही है, आप लोग भी आकर खा लीजिए। इसमें पकौड़ी बनाए हैं गोभी के और टमाटर के और पत्ता के। तो दोस्तों हम लोग खाना वाना खा लिए और दादाजी भी खाकर अपने घोट पर गए। और गई रात के अभी कितने बज चुके हैं, 12 बजने वाला है। 11:28 हो रहे हैं गाइस। और गाइस क्या होता है मम्मी बताएंगी। देखिए मम्मी जी काजल पारनी है, छछुन्नर वाला भाई जन्म हम लोग छुड़ाने जा रहे हैं। आप लोग भी जो हम दिखाई है वो कुहार के घर दी आने गई है, तो ये घाटी तो इसमें काजल पराता है, तो पूरा बच्चे के पूरा बिटिया बहू के हम काजर लगा न खूब अच्छे से, क्योंकि आँख नहीं खराब होगा, अच्छा छुन्नर का जन्म मिट जाएगा। अच्छा छुन्नर की जन्म हमारे हमारी मम्मी भी जा रही है हम लोग को। बोलो किसका किसका लगेगा, बोल दो जल्दी। आप लोग को भी लगवाना तो मेरे घर आ जाइए, मम्मी जी काजर लगा देंगी आप लोग को भी। पहले भाभी जी को लगाइए, फिर हम लोग को लगाइए मम्मी जी। पहले फर्स्ट बार अपने हम बाबू को लगाए। तो गाई जा रहा मुझे काजल लगने भाई, जा रहा मुझे काजल लगने भाई साहब।
हमें तो काजल उजल पसंद नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता, लगा लेते हैं तो देखिए ये भाभी जी कितना इस्तेमाल कर रही है। देखिए गाइस काजल तो डर रही है, काजल में हमारी प्यारी सी वाइफ कैसी लग रही है। अब इसकी बारी है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, रात हो गया है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग जानते हैं कि आज ब्लॉगिंग मेरी तरफ से उतना अच्छा शूट नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ हमें ही देखना होता है गाइस। आप लोग कमेंट में बताइए काजल लगाए कैसे लग रहे हैं, तुमको ही बताइएगा, हमको ही बताइए, भाभी को ही बताइएगा। और दोस्तों आज के ब्लॉग में जो भी हमसे छूट गया होगा, जो गलती हो गया होगा, तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आप लोग माफ कर दिएगा, क्योंकि गाइस घर में हम ही सब देखते हैं। आप लोग तो जानते हैं कोई फोन पकड़ने वाले नहीं है, कोई बनाने वाले नहीं है, तीन लोग इतना आइडिया नहीं पता है, लेकिन जिस तरह भी ब्लॉगिंग की है तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो गाइस तहे 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 दिल से धन्यवाद, और जो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये लाइव बहुत जल्द आने वाली है, तो सब लोग से बात होगा हमारी पूरी फैमिली से। तो नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।